डांस क्लास भी आता है चल और देवांश बाबू के साथ हम लोग पटाखा फोड़ने वाले हैं। इस कम से कम ये होगा 5-6 किलो, इसी के अंदर बम को डालेंगे सोच रहे हैं। Hey YouTube family, welcome back to my channel। तो अभी सुबह सुबह मैं बना रहा हूँ आलू का पराठा, तो लगभग बन के रेडी हो गया है। तो इसको सब चीज तो झरना कर दी है, बस मेरा काम थोड़ा थोड़ा इसमें तेल डाल के पलटाने का है। तो ये लगभग रेडी है और इधर भी। तो चलिए इसको तो सबसे अच्छा पीनट बटर के साथ लगेगा मेरे ख्याल से। ये चटनी थोड़ा पीस लेते हैं, चलिए थोड़ा पीनट बटर डाल देते हैं, उसके बाद स्वाद तो लाजवाब हो जाता है। गाइस चलिए अब काम में जाने का समय आ गया, तो फिलहाल तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ करवा रहे हैं, पूछते हैं इनसे कुछ सवाल। ने काका एयर का है जानत है? फिल्टर है एकर का काम है मशीन में? हवा ले, हवा नाक से। अच्छा नाक के, चलिए बड़े इंटेलिजेंट हैं हमारे चाचा जी। तो आज हम जा रहे हैं हमारे सरपंच साहब के काटने। गाइस चलिए अब हम लोग निकल गए और हम लोग अभी हैं वन देवी मंदिर। हम लोग जा रहे हैं एक है जगह का नाम जोगदाण बोलते हैं। तो हमारे वन देवी मंदिर के जस्ट बगल से होके जाना पड़ता है। तो सुबह सुबह आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। अभी तो शायद यहाँ के जो पुजारी हैं वो चले गए हैं। तो यहाँ से देखिए आप दर्शन कर लीजिए हमारी माता का। तो चलिए मैं थोड़ा अपना साजबाज तो पकड़ लिया हूँ देखिए, लेकिन थोड़ा सा वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि अगर धान जैसे छोटा उठा रहता है हाइट वाइट में तो थोड़ा नहीं बनता है। तो मैं सर्वे करने टाइप जा रहा हूँ, धान कैसा है उसको देखने, उस हिसाब से इनको पकड़ा देना है मशीन। उसके बाद दिन भर ये काट लेंगे हमारे सरपंच साहब का। तो हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं, हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा तो पहुँच गए। अभी हम लोग जंगल के बीचों बीच तो नहीं बोलूंगा लेकिन काफी अंदर आ चुके हैं। देखिए चारों तरफ से आपको घनघोर जंगल ही जंगल। तो अभी हम लोग को और अंदर जाना है, यहाँ रास्ता बना हुआ है जाने के लिए। यहाँ से देखिए हमारे गांव के कैलाश भाई भी जा रहे हैं। आप लोग अभी कटवाना है कि काट लिए? चला 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 चला, गाड़ी रुक गया, एक गियर लगावा हो सरपंच साहब, आगे चक्का उठ जा रहा था। थोड़ा सा दिक्कत होता ही है जो नया ड्राइवर है उसके लिए, जैसे हम लोग को हैबिट हो गया है, हम लोग को कहीं भी मोड़ लेंगे बोलिए। तो जिनका खेत कहीं दूर उर है तो उनको बांध के ले जाना पड़ता है, इसमें हम लोग को नुकसान है नहीं तो। इधर वैसे हम लोग काफ़ी बार आ चुके हैं पहले भी काटने के लिए, दूसरे का सरपंच साहब का नहीं काटे थे आज, इस साल पतला काटे। की रोड में तो हम लोग गए थे पिछले साल शायद। तो ये खेत को हम लोग काटे थे उस डोंगी धरा के आदमी का, ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, यहाँ से पूरा वहाँ तक काफ़ी अंदर है। धान वान कट गया तो आराम से ये वाला खेत में देखिए चराने आ रहे। कैसे हीरो? हमारे एरिया में सबसे पहले हो जाता है अगर दूसरे के मुकाबले मैं कंपैरिजन करूं तो, क्योंकि इस बार मैं बुकिंग तो बहुत रहता है पर मैं सोचा बाहर मतलब मशीन को बनवाने लिया था तो उधरी से बाहर चला गया तो काफ़ी नहीं हुआ था। उस हिसाब से हमारे गांव में काफ़ी आगे रहता है, पता नहीं ज़मीन का होगा या कुछ होगा, कुछ वातावरण पर्यावरण का क्षति हो जाता है हमारे साइड जान। तो चलो खींच दे रहा हूँ मैं, चलो मारा मारा जान दो। तो गाइस फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। तो चाचा जी अपना लग गए स्टार्ट करके। तो सबसे पहले ये खेत काफी लंबा चौड़ा है, लगभग ये बता रहे हैं हमारे सरपंच साहब 4 खाड़ी, मान के चलिए 2 एकड़ है। तो इसको पहले काटेंगे, ऐसा खेत रहे तो काटने में जो मजा है ना मत पूछिए, बस चलते रहो। ये लोग साइड का कटवा भी दिए, देखिए वहाँ से पूरा उधर, और ऐसे खेत काफ़ी सारा है। जैसे अगल बगल किसी का खेत आप काट रहे हैं तो अगल बगल भी अभी तो कटाई लगभग सभी का चल रहा है, तो देखने वाले लोग कटवाएंगे करके वो लोग भी आ जाते हैं। तो 2-3 बुकिंग तो हमारा यहीं पे आ गया, एक तो हमारे गाँव साइड का ही और एक ऊपर पारा का, तो मतलब 2-3 बुकिंग। और इनका कितना है वो ख़त्म करने के बाद ही उनका लगेगा, इसलिए काम शुरू करते हैं। धान एक नंबर है हो सरपंच साहब, का धान है? सोना है, सोसाइटी वाला? हाँ सोसाइटी वाला है। ठीक, तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8, मैं तो मेडिकल से आ रहा हूँ, बाकी
मैं जैसे ही गया तो हमारा मशीन भी बिगड़ गया, तो मेरे साथ साथ आधा एक आध घंटा में घर पहुंच गया मशीन, तो मैं नहीं रहता हूं तो काम भी नहीं होता है। तो चलिए आज हमारे गांव में हमारे घर में एक नया मेहमान, तीन मेहमान आए हैं, मेरे बड़े मम्मी के सुपुत्र, मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी, और ये देवांश बाबू से तो आपको मिला ही चुका हूँ। वैसे हमारे देवांश बाबू आजकल डांस क्लास में जा रहे हैं ना दादी? डांस करता है ना? अभी किया था। तो मेरे में तो कॉपीराइट आ जाएगा, पर शेखर हाँ। लाओ मोबाइल को, नाटक वाला गाना लगा है ना शेखर? देख इतने सारे लोग देख रहे हैं आज डांस दिखा रहे। चलो आ रहे हो की? जो मैं सर्च कर रहा हूँ, हमें गाना मिल गया नाटक वाला। चलो देवांश बाबू यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आओ, सभी तालियों से स्वागत करेंगे। शेखर ताली बजाओ, आ जाओ, चालू करते हैं अब गाना। चलो डांस क्लास जाता है, चल इसको तो दूसरा गाना में, दूसरा गाना में सिखाया तो चल स्टेट ऑफ डाला था ना, चल मैं भी तेरे साथ अपना दूंगा। चल तो गाइस देवांश बाबू तो शर्मा गया, पर उसका एक वीडियो क्लिप है हमारे पास, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एक झलक। तो यहाँ पे लोग रिकॉर्ड भी किए हैं, तो बोलिए कल की आज लाजा उसी ने, चलिए प्ले करते हैं। वाह, अभी नया नया ज्वाइन किया है, उस हिसाब से अच्छा ही नाच रहा है। वाह वाह, चलिए एक हिसाब से अच्छा ही नाचा है उसको, थोड़ा सा अभी अभी आया है तो शर्मा रहा है, जैसे थोड़ा लेट होते जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो सब लोग को देख के नर्वस भी हो गया ना दादा। तो आज मैच का क्या हाल चाल है दादी, किसको जितवा रहे हैं बताइए आज? हाँ इसमें हाँ ऑस्ट्रेलिया जीतने से हम लोग के लिए ठीक है कि खतरा है? के लिए कोई भी जीतने से कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, पूरा रिकॉर्ड विश्व का तोड़ना है और तोड़ के रहेगा भारत, जीत जाएंगे वर्ल्ड कप। चलिए आपके मुंह में घी और शक्कर, लेकिन आपको कल ना हाँ। जैसे थोड़ा सा इनका खेल डाउन नहीं हो रहा था इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ देखा स्थिति में हनुमान जी से देखिए हमारे दादाजी हनुमान जी को विश मांगे तब जाके विकेट पड़ा है भैया, देख लीजिए। और आज देखिए हम लोग दादाजी बता रहे हैं कोई भी जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी जीते उससे हम जीत जाएंगे, ऐसा कहना है दादाजी का। आज भागवत होने वाला है, चलो बैठो। तो हम लोग थोड़ा दर्शन करा के बाबू को भी लाता हूँ मैं भी, काफी दिन हो गया मेरा भी, मैं नहीं गया था, तो चले इसी बहाने थोड़ा दर्शन करेंगे, भजन सुनेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो बाबू हम लोग का चला ले रहा है आजकल, स्कूटी भी सीख गया ये अंबिकापुर में, ले चालू कर, चल चालू कर, चार्जिंग वाला है तुम लोग का, ये पेट्रोल वाला है इसीलिए नहीं जान रहा है, चालू कर दो, चलो चलो मारो। बाबू चला रहा है, बाबू देखिए, बस 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 ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम लोग निकल गए, और आज तो बहुत ठंड है, तो पूरा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, ठंडा लग रहा है बाबू, तू तो स्वेटर पहना है तो कहाँ से तेरे को लगेगा नहीं। तो चलिए हम लोग तो पहुंच गए यहाँ पे मंदिर, बोल दो लखन सिंह और रामचंद्र की। राधे माधव प्रणाम करो, नाच रहे नाच रहे नाच रहे।
धन संत विराग मौन ब्रह्मचार्य गुण धर्ज अस्तिक कारण शौच लक्षण स्वभाव संसार सन्यास लक्षण उत्तम त्याग यह जान जे ईश्वरता भोग भाग्य जे ईश्वर घर और देवांश बाबू के साथ हम लोग पटाखा फोड़ने वाले हैं। इस कम से कम ये होगा 5-6 किलो, इसी के अंदर बम को डालेंगे सोच रहे हैं ना बाबू, ठीक रहेगा? तो एक आठ बम फोड़ते हैं, पटाखा तो काफी सारा बचा है, बाकी बम ही फोड़ते हैं हम लोग। ये रहा, आज एक ही रहेगा। वैसे हमारे देवांश बाबू लोग का पटाखा का दुकान भी रहता है सीजन टू सीजन, पटाखे सीजन में। इस बार किए थे, खोले थे जी? इस बार नहीं खोले थे, पिछले साल खोले थे ना। चलिए माचिस पकड़ा है बाबू, ले डाल इसको। चलो जा फोड़ के आना ना, बेस्ट ऑफ लक, जा सकेगा? नहीं सकेगा बोल रहे ले। उठा उठा इसको, उठा उठा, मार 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 मारना, डर लगता है। चलिए यहाँ से इसको दिखाएंगे, यहाँ से तो बन जाएगा। ये रहा, यहाँ से बस ओके। जा बाबू दौड़ के भाग। फटेगा फटेगा, देखते हैं कितना ऊपर जाता है। उस दिन वाला तो बहुत ऊपर गया था। ओ पापरी, ओ रहा, ओ भाई खतरनाक वाला फूटा है। खतरनाक पूरा, इसका हालत देखिए कैसे हो गया। लाया था उस टाइम कैसा था और अभी का कैसे हो गया,
देवांश ले वहां से झरना देख रही है खिड़की से, देखिए ये देख, ये देख ऐसे हो गया, इसका हालत खराब, इधर से भी टूट गया ये। कल जो हम लोग फोड़े थे क्या बोलते हैं बाल्टीन, उससे भी काफी हाइट में गया, जबकि ये उससे भी वजनदार था। पूरा इसका हालत खत्म हो गया ये पूरा। ले पकड़ जहाँ पे था वहाँ पे चुपचाप रख देना ना, नहीं तो मम्मी डांटेगी। कोने से हम लोग उठा के लाए थे, किसी को पता नहीं है, मम्मी डांटेगी, बाकी चुपचाप वहाँ पे रख दे रहे देवास। देखिए रख दिया। चल सुना क्या? नहीं तो डांटेगी तेरे, किसी को मत बताना, जा चुपचाप सो जाना, चल सुबह मिलेंगे ना। तो गाइस कल वोट है, कल बहुत मजा आने वाला है, वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े ही रहेगा। और आज का ये वीडियो आपको उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।